फरुखाबाद राजेपुर थाना क्षेत्र के दहिया के भैरव बाबा के मंदिर के भीतर युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पे ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। पुलिस ने मौके पर आकर जांच की। थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुर निवासी 22 वर्षीय अनिल पुत्र पंजाबी बाबू दिल्ली में नौकरी करता था। बीते 12 मई 2022 को वह घर आया था। अनिल की मां सुधा देवी ने बताया कि अनिल सुबह घर से खेतों के तरफ गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। दोपहर के लगभग 3 बजे दहलिया भैरव बाबा के मंदिर के भीतर अनिल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज पर पुजारी सुरेश बाबू ने देखा तो नीरज का लहू लुहान सब जमीन पे पड़ा था, जिसकी सूचना पुजारी ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ अजय शर्मा, थाना अध्यक्ष दिनेश गौतम, दरोगा जितेंद्र चौधरी, फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आत्महत्या किए जाने का कारण पता नहीं चला। मृतक की मां सुधा देवी का रो रो के बुरा हाल हो गया। मृतक दो भाइयों में सबसे बड़ा था। दरोगा सहदेव ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। सीओ अजय शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जांच की जा रही है। क्या मामला हुआ? अभी करीब आधा घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई है कि भैरव बाबा का मंदिर ग्राम दहलिया में है, जहां पर एक युवक मंदिर के अंदर गया है और उसने स्वयं से गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेपुर और मैं स्वयं मौके पर आया हूँ। ये जानकारी हुई है कि अनिल, जिनकी उम्र लगभग 25 साल थी, इनके पिताजी श्री पंजाबी लाल, जो कि ग्राम बहादुरपुर के निवासी थे, का कहना है कि ये घर से भी आए थे और सीधे मंदिर आए और मंदिर में आकर के ये घटना हुई है। अभी हम लोग जानकारी भी कर रहे हैं कि यह अप्रत्याशित घटना कैसे हुई है, लेकिन अभी कुल मिला के इतना ही है कि उन्होंने आकर के सुसाइड किया है और उनके हाथ से 315 बोर का तमंचा और एक बुलेट और उसके अंदर खोखा ये बरामद हुआ।